श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही थंबनेल देखा कि आपका भाग्य बदलने वाला है। लेकिन कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, ये पूरी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहें। बहुत दिनों से मुझे भाग्य को लेकर कमेंट्स मिलते रहते हैं। बहुत बार जब बात होती है तब ये बात पूछी जाती है कि क्या हमारे भाग्य में कुछ अच्छा है भी कि नहीं है, हमारा भाग्य साथ नहीं देते हैं, कोई भी काम जिस काम में हम हाथ डालते हैं वो नहीं बनता है। तो ओवरऑल हमारे पास एक बहुत नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कई सारी परेशानियाँ लाइफ में झेलना पड़ती है। तो आपको परेशान, हताश, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आज आपको कुछ तरीके, कुछ उपाय भी आपके साथ साझा करूँगा और भाग्य आपका साथ देगा। सबसे पहली निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, ताकि अच्छे वीडियोस हमेशा आपको इस चैनल से मिलते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना, स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू है। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर वो लोग आते हैं जिनका भाग्य जिनका साथ देगा, जो खुद पर यकीन करते हैं। बहुत से जातक खुद पर, खुद की काबिलियत पर यकीन नहीं करते हैं, बहुत सी नेगेटिविटी अपने अंदर जहन में रखते हैं, बहुत शक में रहते हैं, बहुत अज्ञात डर में रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा। ये एक नेगेटिविटी के साथ वो अपनी लाइफ को आगे देखते हैं, तो वो नेगेटिविटी ही उनकी लाइफ में सच होती दिखाई देती है। उसमें भाग्य और ग्रह जो है वो कितना भी पॉजिटिव चीज़ें आपको देना चाहे, अच्छे मौके देना चाहे, लेकिन आप उन्हें पॉजिटिव फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। दूसरे वहाँ पर महत्वपूर्ण बात शुरू हो जाती है कि बहुत से जातक अपने बुद्धि, अपने विवेक से नहीं चलकर औरों की बुद्धि और विवेक से चलते हैं। मतलब उनके क्या डिसीजन है, क्या करना है, कैसे करना है, ये वो नहीं लेते, दूसरे लेते हैं। हाँ, हमारे माता पिता तो हमारे सच्चे हितैषी होते हैं, लेकिन माता पिता नहीं, और कोई व्यक्ति लेता है जिनकी बातों पर वो चीज़ें आगे बढ़ते हैं। हाँ, वो आपके सच्चे हितैषी हो सकते हैं, लेकिन वो जो बातें कह रहे हैं कि आप वाकई में वो करना चाहते हैं, वो आप खुद से तो पूछें कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस विषय को लेकर चीज़ें करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत मेजर अंतर है जो ज़्यादातर जातकों के साथ दिक्कतें होती हैं। तीसरा प्रश्न है कि जिन भी जातकों के पास गुरु मंत्र नहीं है, उनको कई सारी परेशानियां अपनी लाइफ में झेलना पड़ती है। इसलिए मेरा निवेदन है, आप गुरु मंत्र लें, नहीं है कोई गुरु मंत्र तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, खुद पर विश्वास रखें, अपने गुरु मंत्र पर विश्वास रखें, अपने इष्ट पर विश्वास रखें और धीरे धीरे मन को शांत रखकर आगे बढ़े। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा सकारात्मक चेंज आएगा जिसको आप सोच भी नहीं सकते। ओम नमः शिवाय।